मोटरसाइकिल चोर गिरोह का एक सातिर चोर चढ़ा लमुआ पुलिस के हत्थे। चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद। सातिर चोर अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के एक सातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। अवैध तमंचा व चोरी की 5 मोटरसाइकिल संग गिरफ्तार किया। अपराध रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक विपिन मिश्र के आदेश पर सीओ लमुआ सतीश चंद शुक्ल की अगुवाई में निकली पुलिस टीम की हाथ लगी सफलता। पुलिस ने राम केवल उर्फ राजा पुत्र रामचरण निवासी लोहरामऊ थाना कोतवाली देहात को एक अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर चोरी की 5 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई। बरामद मोटरसाइकिल में 2 पल्सर, 1 बजाज की प्लाटीना, 1 होंडा साइन सहित सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है। पुलिस ने पकड़े गए इस चोर को जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। ये थाना लमुआ के द्वारा एक मोटरसाइकिल चोरी करने वाली गैंग का एक पर्दाफाश किया गया है, जिनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिलें जो चोरी की थी वो बरामद की गई हैं। उसके पास से एक फर्जी आधार कार्ड, 2 आधार कार्ड बरामद किए गए हैं जो दोनों में डिफरेंस था। उसके आधार पर कूटरचित दस्तावेज का एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसके साथ ही एक असलहा अवैध तमंचा बरामद किया गया है। उसके संदर्भ में स्थानीय स्तर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो चोरी की मोटरसाइकिलें हैं उनका मिलान करके अन्य थानों से संपर्क स्थापित करके उनके जो वाहन स्वामी हैं उनको तस्दीक किया जा रहा है ताकि उनको सूचित किया जा सके। ये वाहन चोरी गैंग का खुलासा किया गया है। ये लोग जिन मोटरसाइकिलों में लॉक नहीं लगा रहता था उसको अपनी मास्टर की से खोलते थे और अपने वाहन वहाँ से गायब कर देते थे। ये अभी इनके एक लंबी चौड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है जिसमें इनके खिलाफ 10 मुकदमे पूर्व में भी पंजीकृत हैं। अभी ये अभियुक्त जो राम केवल उल्फ राजा है, ये निवासी कोतवाली देहात का रहने वाला है, ये अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से बाहर आया है और इसने फिर वारदात करनी शुरू की थी। उसी के तहत इसको गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है।